बिलासपुर जिला युवा कांग्रेस सदर युवा कांग्रेस के साथ मिलकर सदर विधानसभा क्षेत्र में 20 मई से सैनिटाइजेशन अभियान चलाएगी। इस कड़ी में सदर विधानसभा क्षेत्र की सभी पंचायतों व नगर परिषद के सभी वार्डों के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर यह अभियान चलाया जाएगा। सदर विधानसभा को जल्द से जल्द सैनिटाइज करने के लिए युवा कांग्रेस द्वारा 700 लीटर सैनिटाइजर व पेट्रोल से चलने वाली स्प्रे मशीनें मंगवाई गई हैं। इस दौरान मास्क भी वितरित किए जाएंगे। युवक मंडलों व युवा कांग्रेस के सदस्यों व पदाधिकारियों की भी इस अभियान में मदद ली जाएगी। यह जानकारी बिलासपुर जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष आशीष ठाकुर ने दी। उन्होंने कहा कि आज जिला में लगभग 2500 कोरोना के मामले हैं। उन्होंने महामारी से निजात पाने के लिए सभी समाज सेवी संस्थाओं से एकजुट होकर मदद के लिए आगे आने का आग्रह किया। आशीष ठाकुर ने जनता से महामारी में सरकार और प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करने का भी आग्रह किया। इस दौरान युवा कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र संधु व युवा नेता नरेश कुमार भी उपस्थित रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों पर सकुशल होंगे। मैं बताना चाहता हूं कि अगले कल से बिलासपुर युवा कांग्रेस सदर युवा कांग्रेस के साथ मिलकर सदर हल्के को सैनिटाइज करने जा रही है। इसके लिए हमने 700 लीटर सैनिटाइजर और साथ के साथ सैनिटाइजेशन की मशीन मंगवा ली है और साथ के साथ मास्क का भी डिस्ट्रीब्यूशन इसी समय में होगा। बताना चाहता हूं कि इसके तहत हम सदर हलके की हर एक पंचायत और नगर परिषद के हर एक वार्ड के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और वहां के युवक मंडल हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं और उनके माध्यम से पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया जाएगा और जहां तक संभव होगा सदर युवा कांग्रेस और बिलासपुर युवा कांग्रेस मिलकर सदर हलके को सैनिटाइज करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए बिलासपुर से अनूप शर्मा।